उधर हरियाणा कांग्रेस ने भी बीते दिन चुनावी मैनिफेस्टो जारी कर अपनी नीति और एजेंडे को साफ कर दिया था, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या यह है कि पार्टी बिखराव को समेट नहीं पा रही है। एक के बाद एक पार्टी नेताओं का पार्टी से भरोसा जो है टूटने लगा है। कोई उपेक्षा का शिकार है तो कोई टिकट बंटवारे से नाराज है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में चुनावी बिसात बिछी हुई है और इस बिसात पर सियासी खेल भी शुरू है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति फिलहाल ऐसी हो गई है कि वो चुनावी रण में तो है, लेकिन कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा दुश्मन उसका आंतरिक बिखराव हो चला है। चुनावी प्रचार और मैनिफेस्टो जारी होने के बाद भी कांग्रेस टूट के उस पड़ाव पर पहुंच चुकी है जहां से सत्ता की सेज के सपने संजोना कांग्रेस के लिए मुश्किल हो गया है। दरअसल एक के बाद एक कांग्रेस में इस्तीफों का दौर जारी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा कांग्रेस कोषाध्यक्ष तरुण भंडारी और पूर्व चेयरमैन संतोष और उनके कई साथियों को बीजेपी में शामिल करवाया। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता मराठा वीरेंद्र वर्मा ने भी कांग्रेस को अलविदा कह दिया। कांग्रेस छोड़ने की घोषणा करते हुए मराठा वीरेंद्र वर्मा ने कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए। मराठा वीरेंद्र वर्मा ने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी की ओर से टिकट बंटवारे में उत्तरी हरियाणा की अनदेखी की गई है। इससे खफा होकर कांग्रेस पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने उत्तरी हरियाणा के वरिष्ठ नेताओं वीरेंद्र मराठा, पूर्व मंत्री निर्मल सिंह दोनों की अपनी अपनी जाति में आधार समाप्त करने का प्रयास किया। हमारी बिरादरी जिससे मैं संबंधित हूँ उसको कांग्रेस ने बिल्कुल ही अनदेखा कर दिया ताकि हमारी राजनीतिक हत्या हो जाए। एक हमारी राजनीतिक हत्या करने का ये जो प्रयास किया इन्होंने, इसकी प्रतिक्रिया में हमने सोचा कि भाई ये पार्टी में रहना उचित नहीं है, तो पार्टी से तो मैंने त्यागपत्र दे दिया है। और बाकी 13 तारीख को हमने अपने कार्यकर्ताओं की यहाँ मीटिंग बुलाई है और वह निर्णय लेंगे, उसके अनुसार फिर आगे हम पार्टी में जाएंगे। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत संबंध है, व्यक्तिगत मेरा अब भारतीय जनता पार्टी में जाने को मेरा मन जरूर है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी से मेरी आज इस बारे में बातें हुई हैं सारी की सारी, और हम सबका हित भी मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में जाने में होगा, लेकिन फैसला मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा। जब कार्यकर्ताओं का सारों का मन बन जाएगा, सारे के सारे तैयार होंगे जाने को, तो ही मैं भारतीय जनता। मराठा वीरेंद्र वर्मा हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी और प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा को इस्तीफा भेज चुके हैं। मराठा वीरेंद्र वर्मा दो बार साल 2009 और 2014 में बहुजन समाज पार्टी से करनाल सीट पर लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। मराठा एक बार नीलोखेड़ी और दो बार असंत विधानसभा से भी चुनाव लड़ चुके हैं। सूत्र बताते हैं कि वो जल्द ही बीजेपी का दामन थामेंगे। कांग्रेस से टूटकर पार्टी चाहे कोई भी ज्वाइन करें, लेकिन एक बात तो तय है, पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर की नाराजगी के बाद से लगातार पार्टी डैमेज मोड में है और ये डैमेज पार्टी को फिर से हरियाणा की सियासत में हाशिए पर धकेल सकता है। राजनीति डेस्क, जनता टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।